अब मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अगर हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गृह मंत्री, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे चुनाव प्रभारीगण, और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को डील किया 2014 से लेकर 2024 का यह कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं, और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर हुर्रियत संगठन, हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी। है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है, और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को